जबलपुर में बनेगा देश का पहला जगत गुरु कुलम। गर्ग परिवार ने 8 एकड़ जमीन दान की। शंकराचार्य की अपील, सवा रुपए जरूर दान दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ज्वाली ऋषि की तपोभूमि जबलपुर में देश का पहला जगत गुरु कुलम की स्थापना होने जा रही है। जबलपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बेलखाड़ू में 8 एकड़ की भूमि में जगत गुरु कुलम का निर्माण होगा, जिसमें कि 1008 विद्यार्थी शुरुआती दौर में पढ़ाई कर सकेंगे। खास बात यह है कि जिस 8 एकड़ जमीन पर देश का पहला जगत गुरु कुलम बनने जा रहा है, उस जमीन को धीरेन्द्र गर्ग एवं उनकी पत्नी ममता गर्ग ने दान में दी है। गुरुकुलम में परमहंस माँ ललिता देवी के एक भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा, जो कि आध्यात्मिक शक्ति को सुसंपन्न बनाएगा। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज दशहरा में गुरुकुलम की नींव रखेंगे। करीब 30 करोड़ की लागत से बनने वाले जगत गुरुकुलम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी लोग पढ़ाई कर सकेंगे। जबलपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने बताया कि जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में हमारे माथे पर अपना हाथ रखा और जगत गुरु कुलम की स्थापना करने का दायित्व प्रदान किया था। उनके इस दायित्व में बेलखाड़ू निवासी धीरेन्द्र गर्ग एवं उनकी पत्नी ममता गर्ग ने एक अहम योगदान देते हुए न सिर्फ अपनी 8 एकड़ जमीन दान स्वरूप दे दी, बल्कि जगत गुरु कुलम के लिए 1,11,11,1100 रुपए भी दान स्वरूप दिए हैं। देश के पहले गुरुकुलम को बनाने में करीब 1.5 साल लगेगा और आने वाली दूसरी चैत्र नवरात्रि तक पूरा हो जाएगा। इस गुरुकुलम में 65 से अधिक गुरु होंगे, जो कि छात्रों को शिक्षा देंगे। देश के पहले जगत गुरुकुलम में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी की शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा अगर छात्र चौथा कोई विषय अपनी मर्जी का पढ़ना चाहता है तो उसे भी पढ़ाया जाएगा। जगत गुरुकुलम में 3 साल से लेकर तब तक बच्चा पढ़ सकता है जब तक कि वह अपने पैरों में खड़ा नहीं हो जाता। उन्होंने एक बात और कही कि गुरुकुलम में सिर्फ हिंदू बच्चे ही पढ़ सकेंगे। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के एक इंजीनियर कुसुम जायसवाल ने अपने 17 वर्षों के अनुभव के आधार पर जगत गुरुकुलम व परमहंस माँ ललिता देवी का नक्शा बनाया है, जिसका मॉडल दिल्ली की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये पूर्ण रूप से वैदिक वास्तुकला की दृष्टिकोण से निर्मित है। विश्वविद्यालय के कुलपति को लेकर जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य ने कहा कि देश में जगह जगह जो विश्वविद्यालय खुले हैं और वहाँ पर जो कुलपति विराजमान है, ये असल में कुलपति नहीं बल्कि अंग्रेजी के चांसलर हैं, जिनका अनुवाद आज कुलपति के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुलपति वह होता है जो कि अपने कुल में रखकर 10,000 छात्रों को खिलाते हैं, पढ़ते हैं और शिक्षा देते हैं, वह व्यक्ति कुलपति कहलाता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ऐसा कोई भी कुलपति नहीं है जो कि अपने स्तर से ये काम कर रहे हों। लेकिन अब बहुत जल्द ही देश का पहला जगत गुरु कुलम ऐसा होगा जहां पर कि छात्रों को निःशुल्क न सिर्फ शिक्षा दी जाएगी, बल्कि उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था के अलावा उन्हें पूर्ण रूप से पैरों में खड़ा किया जाएगा। जबलपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर बेलखाड़ू में बन रहा देश के पहले जगत गुरु कुलम करीब 8 एकड़ में बनेगा, जिसमें कि अध्ययन करने के लिए एक विशाल विद्यालय होगा। यहां पर संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाएं की शिक्षा दी जाएंगी। इसके अलावा यहां पर ही छात्रों के रहने की व्यवस्था होगी, साथ ही खेलने के लिए मैदान, यज्ञशाला सहित तरह तरह के मनोरंजन साधन छात्रों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। जगत गुरु कुलम में जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की भी एक प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर आनंद महाराज ने बताया कि जगत गुरु कुलम में जो भी बच्चा पढ़ेगा, उसे अच्छे शिक्षा के साथ साथ नौकरी भी दिलवाई जाएगी। साथ ही शिक्षा पूरी करने के बाद क्षमता के अनुरूप उसे पूंजी भी दी जाएगी, जिससे कि वह अपना कुछ व्यापार रोजगार शुरू कर सके। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने देश के सभी लोगों से अपील की है कि जगत गुरु कुलम को बनने के लिए कम से कम 125 रुपए का दान अवश्य दीजिए। जबलपुर के धीरेन्द्र गर्ग एवं ममता गर्ग ने अपनी पूरी संपत्ति जगत गुरु कुलम को दान दी है। उन्होंने 8 एकड़ जमीन के अलावा अपना मकान, धन दौलत सहित 1 करोड़ रुपए से अधिक दान दिए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने जगत गुरु कुलम के लिए QR कोड का भी विमोचन किया। इसमें सबसे पहले धीरेन्द्र गर्ग और उनकी पत्नी ममता गर्ग ने 1,11,11,1100 रुपए का दान दिए हैं।
जिंदगी भर की संपत्ति जगत गुरुकुलम को दान करने वाले धीरेंद्र गर्ग ने बताया कि स्वामी शंकराचार्य जी की शरण में जब हम पहुंचे तो हमें लगा कि सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और सनातन धर्म के लिए जब हमारे सद्गुरु इतना सब कुछ कर रहे हैं तो हमें भी उनसे प्रेरणा मिली और हमने अपना सब कुछ त्याग कर भगवान की शरण में चले गए। धीरेंद्र गर्ग ने बताया कि अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारा आसरा अब भगवान का श्री चरण ही है। उन्होंने बताया कि हमारा परिवार संभ्रांत है और किसी ने भी हमसे ये नहीं पूछा कि आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई आखिर क्यों दान कर दी है। पंडित धीरेंद्र गर्ग की पत्नी ममता गर्ग ने बताया कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है और जब पति ने यह निर्णय ले लिया तो मैं भी उसे मानते हुए अपना सर्वत्र भगवान पर निछावर कर दिया है। उन्होंने बताया कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने पति के साथ सनातन के इस धर्म कार्य में कदम से कदम मिलाकर चल रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।